जी इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ चारों इतराफ में खटियाँ लगी हुई हैं और यहाँ से जो चादर तैयार की जाती है उसका नाम है सवात शाल, और सवात शाल के नाम से ही ये पाकिस्तान भर में मशहूर है। लेकिन इसकी तारीखी अहमियत हम आपको बताते चलें कि इस इलाके का नाम बुद्धस दौर में सलातुरा था। जब अशोका हुक्मरान था तो इसी सलातुरा से उसके लिए पहली दफ़ा चादर उसके लिए और उसके घोड़े के लिए भी तैयार होकर गई। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब हुक्मरान यहाँ पर मुसलमान आए तो इस जगह का नाम सलामपुरा पड़ा। लेकिन तारीखी अहमियत इस जगह की यह है कि बुद्धस दौर से यहाँ पर खड्डी पर चादरें तैयार की जाती थी आज से तकरीबन 1000 साल पहले भी, और इसी खड्डी से तैयार होने वाली चादरें उस वक्त भी इस्तेमाल में होती थी। अब इसमें थोड़ी जिद्दत आ गई है, नए तरीके से यहाँ पर तैयार हो रही है, इवन के इसका खाम माल इम्पोर्ट भी किया जाता है और उसके बाद, लेकिन तरीक़ाकार वही चला आ रहा है जो उस वक्त था। और यहाँ हम बात भी करेंगे, इस खड्डी के जो यहाँ ओनर हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो हम आपको सबसे पहले यहाँ जो चादरें तैयार हो रही हैं वो दिखाते हैं। जी नाम बताइएगा। जी मेरा नाम इब्राहिम है, मैं इस्लामपुर का रहना। और कारखाना कितना पुराना है आपका? ये तो हमारा यादाश भी नहीं है, हमारा बाप के वालिद का, उसका भी वालिद का, हमारा याद भी नहीं है। अच्छा। वो हमारा बाप दादी के वक्त का। मतलब कितने 100 साल हो गए इस कारखाने? मेरा तकरीबन बहुत, लेकिन मेरे से पहले है ना, बहुत पहले। अच्छा, सबसे पुरानी खड्डी कौन सी थी जिस पर आप? पुरानी खड्डी जो होता था ना, वो तो अभी इसमें नहीं है ना, अभी तो जदीद टेक्नोलॉजी आया। हाँ, पहले कैसे तैयार होती थी? पहले वो दूसरा था, वो ऐसे जुमा को मारा था, दूसरे एंड में ऐसे मारा था, उस पर एक एक धागा जा रहा था, आता था तो उसी चादर बन रहा था। उसके बाद वो वाला आ रहा था, वो नहीं है जो अभी वो जमीन के अंदर जो पाया, उसके बाद ये वाला आ गया ऊपर जो कड़ा, ये वाला हो गया। जी सर, हो गया। जी सर, और इसका मटेरियल आप कहाँ से मंगवा रहे हैं? मटेरियल ये जो हम शड़ी बनाते हैं, पट्टी बनाते हैं, वास्केट पर कुल बनाते हैं, ये लोकल बेड के ऊन होते हैं, कालाम वाला, ये बुनेर वाला, शंगले वाला, ये पुरन चकेसर वाला, छोटी बेड बकरी का ऊन नहीं है उससे हम बनाते हैं। अच्छा, शड़ी बनाते हैं, पकूल बनाते हैं, वास्किट बनाते हैं, चुगा बनाते हैं, ये लोकल होता है। और जो ये बारीक शाली हम बनाते हैं ना, उसका उल तैयार आता है। ये अभी तैयार हो रही है? ये अभी कंची से काट कर कड्डी से लाया। अच्छा। इसका बंबल भी नहीं बना है और इसका धुलाई भी नहीं हुआ है, रंगाई भी नहीं हुआ है। अच्छा, इसकी रंगाई भी हुई, कलर यही निकलेगा इसका? जो वायर लेते हैं ना, तो ये अपने रंग में धुलाई करते है, जो डाई करते है ना। और ये लोकल है ऊन या ये बाहर से? ये बाहर से आता है, ये इम्पोर्टेड ऊन है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला आता है। कहाँ कहाँ भेज रहे हैं? ये तो बाहर मुल्क भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, इटली जाते हैं, हर जगह जाते हैं। हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमने चाहा कि थोड़ी इसकी भी हिस्ट्री बता दें कि जितना बुद्धिस्ट यहाँ पर पुराना मजहब या तहजीब रही थी, उसी के साथ ये भी जो शाल यहाँ से खड्डी के ऊपर तैयार हो रही है ये भी उसी वक्त के ही है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि अशोका के लिए भी यहाँ से शाल तैयार होके जाती रही है। तो आप लोग भी आ सकते हैं, अभी ये इस्लामपुरा के नाम से जगह मशहूर है। सैदु शरीफ से होते हुए मरगजार रोड पर आएंगे तो इस्लामपुरा में आके यहाँ पर नीचे बाज़ार भी बना हुआ है, बाज़ार से भी शॉपिंग कर सकते हैं और खड्डी को भी देख सकते हैं कि खड्डी के ऊपर यहाँ पर अब किस किस्म की चादरें तैयार हो रही हैं।